एक व्यूअर ने पूछा है, देयर हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम क्या क्या मीनिंग है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं देयर हैज बीन या देयर हैव बीन या देयर हैज ऑलवेज बीन या देयर हैव ऑलवेज बीन का इस्तेमाल कैसे करें, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। देयर हैज बीन का मतलब होता है रही है, और अगर आप कहते हैं देयर हैज ऑलवेज बीन या देयर हैव ऑलवेज बीन तो इसका मतलब होता है हमेशा से रही है या हमेशा से रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक मुसीबत हमेशा से रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, यानी एक मुसीबत हमेशा से रही है। अगर आपको कहना हो एक कुआं यहाँ हमेशा से रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैज ऑलवेज बीन अ वेल हियर, यानी एक कुआं हमेशा से यहाँ रहा है। अगर आपको कहना हो एक प्लेग्राउंड यहाँ हमेशा से रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैज ऑलवेज बीन अ प्लेग्राउंड हियर, यानी यहाँ हमेशा से एक प्लेग्राउंड रहा है। यहाँ हमेशा से एक बरगद का पेड़ रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैज ऑलवेज बीन अ बनियान ट्री हियर, यानी यहाँ हमेशा से एक बरगद का पेड़ रहा है। अगर आपको कहना हो यहाँ हमेशा से खराब लोग रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैव ऑलवेज बीन बैड पीपल हियर, यानी यहाँ हमेशा से खराब लोग रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ सोचें कि मैंने देयर के बाद बोला है, जबकि पिछले सेंटेंसेस में मैं बोल रहा था हैज। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा अगर वो नाउन सिंगुलर है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप कहेंगे देयर हैज, और अगर वो नाउन प्लूरल है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप कहेंगे देयर हैव। चूंकि इस सेंटेंस में मैंने प्लूरल नाउन के बारे में बात किया, इसलिए मैंने बोला देयर हैव, और इसके पहले के सेंटेंसेस में मैं सिंगुलर नाउन की बात कर रहा था, इसलिए मैंने बोला देयर हैज। अगर आपको कहना हो यहाँ हमेशा से दूध वाले रहे हैं या गवाले रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैव ऑलवेज बीन मिल्क मैन हियर, यानी यहाँ हमेशा से दूध वाले रहे हैं। अगर आपको कहना हो यहाँ हमेशा से पेड़ पौधे रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर हैव ऑलवेज बीन ट्रीज हियर, यानी यहाँ हमेशा से पेड़ पौधे रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि देयर हैज बीन या देयर हैव बीन का मतलब होता है रहे हैं या रहा है, और देयर हैज ऑलवेज बीन या देयर हैव ऑलवेज बीन का मतलब होता है हमेशा से रहा है या हमेशा से रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए